हम आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट ला रहे हैं। पहले तो आपको ईद मुबारक कर दें, लेकिन क्या स्थिति है, क्या हाल है कश्मीर घाटी में और श्रीनगर में? यहाँ पे कुछ लोग हैं, आप जाना चाह रहे थे मौसम, मगर आपको यहाँ पे वायर लगी है। बिल्कुल नहीं, छोड़ नहीं रहे हैं वहाँ पर, क्योंकि बोलते हैं जी नमाज नहीं पढ़नी है, आप जाके वापस जाइए। मोबाइल फोन्स काम नहीं कर रहे हैं, आपने मोबाइल निकाला हुआ है, कितनी दिक्कत आ रही है? जी बहुत दिक्कत आ रही है, पिछले कई दिनों से, 8 दिन से हम किसी के साथ बात नहीं कर सकते, बिल्कुल एक फौजी छावनी में तब्दील। आप ये देखिए यहाँ पे, ये आप कुर्बानी के लिए लेके जा रहे हैं? कुर्बानी के लिए सब बंद है, इसे बेहतर मुंगोली खाना है। तो आप नहीं जा पा रहे हैं? कहाँ जा पा रहे हैं मैडम? तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से तकलीफ हो रही है, और खास तौर पे अगर हम सुरक्षा बलों की बात करें, यहाँ पे काफी हद तक तैनाती है, और खास तौर पे डाउनटाउन इलाके में जहाँ पे अक्सर पत्थरबाजी देखी जाती है, लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन क्या कुछ समय के लिए है और बाद में शायद यहाँ पे, क्योंकि कुछ ही दूर बाद में ही एक मस्जिद है जहाँ पे ये लोग जाना चाहते हैं, कुर्बानी देना चाहते हैं, लेकिन एक बड़ा टेस्ट है सुरक्षा बलों के लिए। कश्मीर घाटी में सन्नाटा सा छाया हुआ है, आज ईद का दिन है, लेकिन जो इलाके जहां जिन इलाकों में सबसे ज़्यादा एक्टिविटी हुआ करती थी, वहां कोई नहीं है आज। इस वक्त हम लाल चौक के इस इलाके में हैं, ये जो घंटाघर है, आइकॉनिक एरिया है श्रीनगर शहर का, मगर पिछले 8 दिन से लगातार इसकी हालत यही है। तारें बिछी हुई हैं, बैरिकेडिंग की गई है, किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही, और बहुत सारे इलाके कश्मीर घाटी में आज इसी तरीके से ऐसा ही मंज़र वहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। सुरक्षा बलों की तैनाती लगभग हर तरफ है, और लोगों की मूवमेंट पे जो है वो कदगने लगाई गई हैं। सेक्शन 144 जो है ऑफिशियली लगाया गया है, लेकिन जो रिस्ट्रिक्शंस है वो कर्फ्यू जैसी ही लग रही हैं। मैं आपको बता दूं कि पिछले पूरे एक हफ्ते से ज़्यादा इसी तरीके के हालात बने हुए हैं, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स ठप हैं, और इसकी वजह से जो आम जिंदगी है वो लोगों की जो है मुतासिर हुई है। कश्मीर घाटी में आज 8वां दिन है, तनाव बना हुआ है, और आज ईद का मौका है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, और आज के दिन रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा लगी हुई हैं। पिछले कुछ दिनों में थोड़ी कम रिस्ट्रिक्शंस हुई थी, लेकिन आज फिर से लगी हुई हैं। हम श्रीनगर शहर में निकले हैं, आइए आपको दिखाएं कि क्या हालत है ज़मीन पर। तो आज रिस्ट्रिक्शंस की वजह से जो बड़ी बड़ी ईदगाहें हैं या बड़ी मस्जिदें हैं जहाँ पर नमाजें हुआ करती थी, ईद की बड़ी बड़ी नमाजें हुआ करती थी, वहाँ पर आज नमाजें नहीं हुई हैं। छोटी छोटी जगहों पे मोहल्ला जो लेवल लोकेलिटीज़ में जो छोटी छोटी जगहें हैं वहाँ पे नमाज अदा करने दी गई है, लेकिन बड़ी जगहों पे जैसे मैं आपको बता रहा था वहाँ नमाजें नहीं हो रही है। सड़कों का हाल बिल्कुल ऐसा है, कोई आदमी आपको बिल्कुल सड़कों पे दिखाई नहीं दे रहा है, इक्का दुक्का कोई अगर दिख भी रहा है तो बड़ी ही मुश्किल से वो भी अपने घरों से बाहर निकल पा रहे हैं। तो आज रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई हैं, हालांकि सरकार इसको धारा 144 कहती है, लेकिन जो कर्फ्यू जैसे हालात बने पड़े हैं, आप देख सकते हैं कि कुछ लोग बड़ी मजबूरी में अपने घरों से निकल पाए हैं, लेकिन सड़कों पे जो हालत है उससे साफ जाहिर है कि किस तरीके की बंदिशें लगाई गई हैं। जो सिक्योरिटी फोर्सेस है जो लगे हुए हैं, उनका जहाँ तक हिसाब किया जाए तो लगभग हर गली कूचे पे, हर नुक्कड़ पे जो है नाकाबंदी कर दी गई है, बहुत ही कम लोगों को इधर उधर जाने की इजाज़त दे रही है। ये देखिए, इसी तरीके के तारें हर तरफ लगा दी गई हैं, इसकी वजह से लोग भी मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो आज का दिन जो ईद का दिन है, फिर कश्मीर घाटी में तनाव बना हुआ है, और इस तनाव की वजह से लोग अच्छे खासे परेशान हैं। जम्मू कश्मीर में धारा 370 खत्म होने के बाद ईद के मौके पर किस तरह के हालात हैं, इसका जायजा लेने के लिए हम जा रहे हैं एक हेलीकॉप्टर सॉर्टी के जरिए शहर के ऊपर। हम देखेंगे कि खासतौर से इस मौके पर लोग किस तरह से ईद मना रहे हैं, और पुलिस और प्रशासन की तरफ से किस तरह से कानून व्यवस्था की व्यवस्था की गई है। खासतौर से प्रशासन लगातार कह रहा है कि लोगों को जो ईद के मौके पर किसी तरह की परेशानी ना हो, उसके लिए तमाम इंतज़ाम किए गए हैं। उन्हीं इंतज़ाम को देखने के लिए हम हेलीकॉप्टर के जरिए आपको दिखाएंगे कि किस तरह के प्रशासन ने, सेना ने और पुलिस ने इंतज़ाम किए हैं। इस वक्त हमने राजभवन के नेहरू हेलीपैड से उड़ान भरी है, और डल लेक के पूर्वी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। डल लेक का पूर्वी हिस्सा अगर आप देखें
तो काफ़ी बड़ी आबादी का एरिया है और एक बड़ी आबादी डल लेक का जो पूर्वी इलाका है, काफ़ी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं इस वक्त। आपको दिखा रहे हैं ठीक डल लेक के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं हेलीकॉप्टर में, और यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि ख़ास तौर से ईद के मौके पर जो हालात हैं, ख़ास तौर से धारा 370 ख़त्म होने के बाद पिछले कई दिनों से जम्मू कश्मीर में जो धारा 144 लगाई गई श्रीनगर घाटी में, उसके अलावा यहाँ पर जो कम्युनिकेशन है, मोबाइल है, वो बंद किया हुआ है, लोगों को परेशानियाँ हो रही हैं। बावजूद उसके प्रशासन की तरफ से कोशिश की जा रही है कि लोगों को ख़ास तौर से ईद के मौके पर किसी तरह की परेशानी ना हो। इस बात का अंदेशा ज़रूर था कि हालात बिगड़ सकते हैं, ख़ासतौर से जिस तरह से यहाँ पर मोबाइल इंटरनेट सर्विस को बंद किया गया, धारा 144 लगाई गई, बावजूद उसके इस ईद के मौके पर भी कोई इस तरह की कोई वारदात यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। लोगों की भीड़ जरूर कम थी, आसपास की जो बड़ी मस्जिदें, खासतौर से अगर हजरत बल की बात की जाए और दूसरी बड़ी जो मस्जिदें हैं, लोगों ने अपने घरों के आसपास की जो मस्जिदें हैं वहाँ पर रहकर ही नमाज़ पढ़ना ठीक समझा। और प्रशासन का भी दावा है कि फ़िलहाल अगर हम आधे दिन की बात करें, इस वक्त जब हम करीब एक बजे का समय हो रहा है, तो ख़ास तौर से कश्मीर घाटी और साउथ कश्मीर जहां पर सबसे ज़्यादा आशंका जताई जा रही थी किसी भी अप्रिय घटना की, तो फिलहाल ईद के मौके पर ऐसी कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। समूचे जम्मू कश्मीर में ईद का पर्व जो है बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये पहली ईद है धारा 370 हटने के बाद, इसीलिए जो सुरक्षा बल है वो कोई चांस नहीं ले रहे हैं। भारी संख्या में जो सुरक्षा बल है वो तैनात है मस्जिदों के बाहर, और इस समय मैं मौजूद हूँ जम्मू के उस्ताद मोहल्ला की मस्जिद के बाहर। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, इसी मस्जिद में अभी जो है सैकड़ों की तादाद में जो है मुस्लिम समाज के लोग जो है नमाज पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे। और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, अगर मैं कैमरा पर्सन कहूं कि यहां पर जो है सुरक्षा जो है काफी कड़ी कर दी गई है, भारी संख्या में जो है सुरक्षा बल तैनात है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इस समय हालात जो है काफी नाजुक है, इसलिए कोई चांस नहीं लिया जा रहा है। लेकिन पूरे जम्मू कश्मीर में जो है शांति है, सांप्रदायिक सौहार्द है, किसी भी अप्रिय घटना की अभी तक कोई खबर नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और यहां पर आप देख सकते हैं, अगर मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूं, यहां उस्ताद मोहल्ला में जो मस्जिद है इसके बाहर जो है मुस्लिम समाज के लोग आना शुरू हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि जो कुर्बानी के जो बकरियां हैं, भेड़ है, उनको भी लाया गया है, तो स्थिति जो है पूरी तरह से शांतिपूर्ण है। लेकिन चूंकि ईद का मौका है, तो जो सुरक्षा बल हैं पूरी सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं यहां पर मस्जिद के बाहर। और आप देख सकते हैं कि सुरक्षा बल भी भारी संख्या में यहां तैनात है, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, अर्धसैनिक बल हो, भारी संख्या में यहां पर जो है सुरक्षा बल तैनात है। भारतीय जनता पार्टी से रविंदर रैना यहां आरएसपुरा सेक्टर आए थे। यहां के कुछ लोग हैं जो आज उनका ईद का त्यौहार है, उन्होंने नमाज भी अदा की और अब ये यहां मिलने आए। तो क्या माहौल है अभी आरएसपुरा सेक्टर का, क्योंकि काफी लोग कहेंगे कि टेस्ट तो अब शुरू होता है, सरकार बीजेपी सरकार करेगी क्या जम्मू के लोगों के लिए, वो आप बताएं अब हमें। रियासत जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर आज ईद का जो जश्न हमारे मुसलमान भाइयों ने हिंदू मुस्लिम सिखों के साथ मिलकर जो बनाया गया, ये ईद का जबरदस्त त्योहार है। आज आप देख रहे हैं हाथों में तिरंगे झंडे पकड़कर हमारे मुसलमान भाइयों ने आज ईद का जश्न मनाया। हाथों में तिरंगे झंडे लेकर हमारे मुसलमान भाइयों ने आज दुआएं मांगी, अमन की दुआ मांगी, अपने मुल्क हिंदुस्तान की सलामती के लिए हमारे मुसलमान भाइयों ने दुआ मांगी। हाथों में तिरंगे झंडे, जम्मू कश्मीर के हर एक मुसलमान के हाथ में तिरंगे झंडे हैं। ये वतन परस्ती है, हुबले वतनी है, जो कुरान के अंदर जो हजरत मोहम्मद साहब ने बताई, जिस मुल्क के अंदर रहना उसी का गुणगान करना। और ये हमारे रियासत जम्मू कश्मीर के मुसलमान भाई जो बॉर्डर के ऊपर रहते हैं, रजौरी पुंछ के हों, डोडा किश्तवाड़ रामबन के हों, हर जगह तिरंगे झंडे हैं और ईद की दुआएं हैं, ईद के जश्न मनाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जनता बहुत खुश है। अमन और एकता लद्दाख की पहचान है, और आज वो ईद जो लद्दाख के लिए पहली ईद होगी अलग पहचान मिलने के बाद, यहाँ ईदगाह पर, उस ऐतिहासिक ईदगाह पर सैकड़ों की तादाद में लोग नमाज पढ़ने के लिए पहुँचे हैं, नमाज अदा करने के लिए पहुँचे हैं, दुआएं की जा रही हैं।
अपने शहर के अमन के लिए, अपने परिवार, अपने मुल्क के अमन के लिए। सिर्फ लद्दाख नहीं, आसपास के 50 किलोमीटर का जो इलाका है लेह में, वहाँ से तमाम सारे लोग आते हैं। हालांकि इसमें कई सारे ऐसे परिवार भी हैं, कई सारे ऐसे लड़के भी हैं जो कश्मीर से भी आए हैं। 7 दिन का समय हो चुका है, अपने परिवार से बातचीत नहीं कर पाए, न उन्हें ईदी मिली, न वो ईद की दुआएँ दे पाए, न उन्हें ईद की बधाइयाँ दे पाए। ईद उल अज़हा का दिन है और आज़ाद जम्मू कश्मीर जो कि पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर है, यहाँ पे शटर डाउन है। यहाँ पे वजह ये है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने भी कहा कि सादगी से ईद मनाई जाएगी, ईद को कश्मीरी लोगों के साथ सॉलिडारिटी दिखाने के लिए की जाएगी। तो उसी हवाले से ही हम जिस तरह से मूव करते रहे हैं, इस वक्त हम LOC के बिल्कुल पास हैं, हम चकोटी में मौजूद हैं। ये वही जगह है जहाँ से जब इंडिया के एयरफोर्स के जेट्स आए थे तो वो इसी साइट से ही, इस एयर स्पेस से पाकिस्तान के अंदर घुसे थे। पाकिस्तान ने, जब से इंडियन गवर्नमेंट ने जम्मू और कश्मीर का स्टेटस बदल के उनको यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट कर दिया, पाकिस्तान ने इंडिया के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस और बायलैटरल ट्रेड बंद कर दी है। और यही वजह है कि मेरे पीछे जो आपके ट्रक्स देख रहे हैं, जो चकोटी में, ये वो जगह है जहाँ पे उनको पहले आके असेंबल किया जाता है, उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते थे और डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद उनको आगे जाने की परमिशन मिलती थी, क्योंकि 1 किलोमीटर के से पहले ही जो है एक ब्रिज आ जाती है, ब्रिज के बाद इंडिया शुरू हो जाता है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ट्रक्स अब स्टैंडर्ड खड़े हुए हैं, जिसमें एक ट्रक का नंबर से हम आइडिया लगा सकते हैं, ये रावलपिंडी का ट्रक है, ये LOK मीन्स लाहौर का ट्रक है, पंजाब MII मीन्स पंजाब मुल्तान का ट्रक है, और वो लजबेला बलूचिस्तान का ट्रक है। ये सारे ट्रक्स और ऐसे बहुत सारे ट्रक्स यहाँ पहले से मौजूद थे ईद के वजह से, और उससे पहले ही, क्योंकि ये सारा बायलैटरल ट्रेड ख़त्म कर दी गई तो वो बाकी बहुत सारे ट्रक्स वापस चले गए, लेकिन ये ट्रक्स आज भी यहाँ हैं। पाकिस्तान ने बायलैटरल ट्रेड ख़त्म कर दी है, पाकिस्तान ने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इस मामले को, कश्मीर डिस्प्यूट को उठाने का फैसला किया है। पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक रिलेशंस जब ख़त्म किए हैं तो अजय बिसारिया, जो इंडियन हाई कमीशन थे, उनको फौरी तौर पर एक्सपेल किया गया, और पाकिस्तान का आज भी ईद उल अज़हा के दिन भी शाह महमूद कुरैशी और बिलावल भुट्टो जरदारी मुजफ्फराबाद में मौजूद थे, ईद नमाज वहाँ पढ़ी, लोगों के साथ यकजहती का इजहार किया। और यहाँ जैसे ही हम मुजफ्फराबाद से यहाँ तक तकरीबन 40 किलोमीटर हम ट्रैवल करके आए हैं, बिल्कुल LOC के पास है, जहाँ ज़्यादातर हम बाहर शूटिंग नहीं कर सकते इतनी ओपनली, इसीलिए हम एहतियात कर रहे हैं यहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट से, लेकिन ये ज़रूर है, हमने जहाँ देखा है वहाँ शटर डाउन है। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से भाषण देंगे, ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सिर्फ ये कहा जाए कि 15 अगस्त की तैयारियां, ऐसा नहीं है, उसके बाद भी तैयारी रहेंगी। इस वक्त मैं दिल्ली के कनॉट प्लेस में मौजूद हूँ और उसके आसपास भी सिक्योरिटी काफ़ी टाइट की गई, अलग अलग फीचर्स जो है वो देखने को मिल रहा है। आप देखिए यहाँ पर सिक्योरिटी जो मचान बना रखी है उसमें पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान बैठे हुए हैं। इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये कवायद की गई है दिल्ली पुलिस की तरफ से, ये 3 पोस्टर्स लगाए गए हैं, ये दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में लगाए गए हैं। ये आप देख सकते हैं कि वधावा सिंह बब्बर खालसा इंटरनेशनल गैंग का ये पोस्टर्स है और ये आतंकी हैं जिनकी तलाश है। ये पोस्टर हर बार लगते हैं, इस बार भी लगाए गए, गजेंद्र सिंह, जगतार सिंह और पुरुषोत्तम सिंह पम्मा। ये जो है कर्नाटक मॉड्यूल है इंडियन मुजाहिदीन का, उनके पोस्टर्स है जिसमें आमिर रजा खान है, इसके अलावा रियाज भटकल है, इसके अलावा राहिल शेख है और इकबाल भटकल जो है उनके पोस्टर्स भी लगे हैं। ये आप देखिए अलकायदा है जिनके दिल्ली पुलिस की जो तलाश है जिनको, यह है शेरजील अख्तर है, रेहान है, ये सबील अहमद हैं, मोहम्मद शाहिद है, मोहम्मद उमर है, ये तमाम ऐसे आतंकवादी जिनकी तलाश है दिल्ली पुलिस को, और इसी वजह से ये पोस्टर्स जो अब दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में लगाए गए ताकि इनके बारे में कोई सुराग दे, उसको किसी को जानकारी हो तो सुराग दे, क्योंकि ऐसे में ये जो मॉड्यूल होता है काफ़ी एक्टिव हो जाता है। और ये खासकर 15 अगस्त के आसपास ये कहा जा सकता है कि सिक्योरिटी जब बहुत ज़्यादा थ्रेट होती है तो ऐसे में ये नापाक हरकत करने की कोशिश करता है, इसलिए इनके पोस्टर लगाए ताकि कोई इनको पहचान ले। 370 हटने के बाद जो आतंकवादी हैं वो हिंदुस्तान और खास तौर से राजधानी दिल्ली में किसी बड़ी वारदात को स्वतंत्रता दिवस के दौरान अंजाम देने की फिराक में हैं। अफगानिस्तान के रास्ते वो हिंदुस्तान में घुसने वाले हैं और बस के जरिए वो राजधानी दिल्ली में पहुंचने वाले हैं। तो ऐसे में दिल्ली में कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो, दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। इस वक्त हम खड़े हैं सरोजनी नगर मार्केट में, ये वो मार्केट है जहाँ पर पहले भी ब्लास्ट हो चुका है, लेकिन कोई अप्रिय घटना ना हो इसके लिए दिल्ली पुलिस ने सरोजनी नगर में सुरक्षा काफ़ी ज़्यादा टाइट कर दी है। देख रहे हैं आप कि जो भी
अंदर मार्केट में आ रहा है, चाहे वो महिलाएं हों या पुरुष, बाकायदा सबकी तलाशी लेने के बाद, उनकी फ्रिस्किंग करने के बाद ही उनको अंदर जाने दिया जा रहा है। मेटल डिटेक्टर से होकर ये लोग यहाँ पर गुजर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो मौजूद है। इस वक्त हम मौजूद हैं उसी दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाले कालिंदी टोल पर, जहाँ पर 9 और 10 अगस्त की दरमियानी रात एक ट्रक ड्राइवर की पीट पीट कर टोल कर्मियों ने हत्या कर दी, और उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो टोल टैक्स न चुकाकर आगे बढ़ गया था। उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये MCD का टोल नाका है जो महाराष्ट्र की एक कंपनी को दिया गया है। जब जो ट्रक ड्राइवर था विमल कुमार, वो दिल्ली की तरफ से आ रहा था और नोएडा क्रॉस कर गया। जो यहाँ पर बाउंसर थे उन्होंने बकायदा विमल कुमार का पीछा किया और उसके बाद उसको इतनी बुरी तरीके से मारा कि उसकी मौत हो गई। उसके बाद विमल कुमार की लाश को नोएडा के इलाके में, मारपीट दिल्ली के इलाके में हुई थी लेकिन उसकी लाश को बकायदा नोएडा के इलाके में छोड़कर वो उसकी ट्रक को खींच कर लेकर यहाँ पर आए। बकायदा CCTV में कैप्चर भी हुआ है, वो CCTV हमारे पास मौजूद भी है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे जो विमल कुमार जो ट्रक ड्राइवर था उसकी हत्या की गई, उसके बाद बकायदा उसकी ट्रक को खींच कर यहाँ पर लाया गया। ट्रिपल तलाक का तीसरा मामला दिल्ली के गांधीनगर थाने से सामने आया। दरअसल यहाँ पर एक मामला दर्ज किया गया है जो अभी नया कानून पास हुआ है ट्रिपल तलाक को लेकर। दरअसल जो कंप्लेंट की थी, ये आरिफ और बबली की शादी हुई थी 2017 में, और ये बताते हैं कि उसके बाद से ही दोनों में तनातनी चल रही थी। शुरुआत में शादी के समय 5 लाख रुपए बबली के परिवार वालों ने दिए थे। इसके बाद वो गाड़ी की डिमांड कर रहा था, लेकिन जब गाड़ी की डिमांड पूरी नहीं हुई तो आरिफ ने अपनी जो पत्नी है उसको 3 बार तलाक बोला, जिसकी वजह से जो है उसके परिवार ने यह कंप्लेंट किया। फिलहाल आरिफ को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। ये दरअसल तीसरा मामला है जो सामने आया। इससे पहले कमला मार्केट थाने में भी एक मामला सामने था, इसके अलावा नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में भी मामला सामने आया था। और फिलहाल गांधीनगर पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, और जिस तरह से ट्रिपल तलाक को लेकर कहा जा सकता है कि अब लगातार मामले दर्ज हो रहे हैं दिल्ली के तमाम थानों में, चाहे वो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे वो कमला मार्केट थाना हो, अब गांधीनगर में एक मामला दर्ज हुआ है जो ट्रिपल तलाक को लेकर, और फिलहाल पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। कोल्हापुर शहर के लिए आखिरकार 7 दिनों बाद खुशखबरी कुछ नजर आ रही है, क्योंकि ये जो नेशनल हाईवे 4 है जो पुणे और बेंगलुरु को जोड़ता है, पिछले 7 दिनों से जलमग्न था। यहाँ इतना ज्यादा पानी भरा था कि ये गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरीके से बंद थी। आप देख लीजिए, इस सड़क का जो दूसरा हिस्सा है वो अभी भी बंद है, सिर्फ एक ही तरफ से गाड़ियां छोड़ी जा रही हैं। अगर उस तरफ कोल्हापुर शहर से जो गाड़ियां आती हैं वो अगर उन्हें निकालना होता है तो इस सड़क से इस तरफ की आवाजाही को बंद कर दी जाती है और उधर से गाड़ियां निकाली जाती है। तो इस तरीके से इस वक्त जो बेहद जरूरी चीजें हैं, जैसे कि गैस हो, पेट्रोल हो, खाने का सामान हो, इन सारी चीजों को पहले प्रायोरिटी देकर कोल्हापुर शहर की तरफ रवाना किया जा रहा है। इस वक्त कोल्हापुर शहर के आगे का जो हिस्सा है NH4 का, वो अभी भी थोड़ा बहुत जलमग्न है, वहां अभी आवाजाही शुरू नहीं हुई है। लेकिन इस वक्त कोल्हापुर शहर अगर आपको पहुंचना है, पुणे और मुंबई की तरफ से अगर आप आ रहे हैं तो बिल्कुल आप आ सकते हैं। इस वक्त हम कोल्हापुर के मार्केट में हैं, बकरीद की वजह से यहाँ छुट्टी है, होलसेल का जो मार्केट है वो बंद है। ये सब जो सामान आया है ये पिछले कुछ दिनों में बरसात के समय जो सब्जियां इन लोग को कहीं कहीं से मिल रही थी वो दुकानदारों ने इकट्ठी की और अभी भी उसे ही बेच रहे हैं। लेकिन इसकी क्वालिटी आप देख लीजिए, ये जो गोभी है सड़ रहे हैं, पानी से सड़ रहे हैं, बदबू आ रही है इनमें से। ऐसा ही कुछ हाल शिमला मिर्च और बाकी सब्जियों का भी है। आइए लोगों से बात, आप ये सब्जियां कैसे किस तरह से खरीद रहे हैं, कैसे क्या भाव बताया जा रहा है आपको? उसका अभी 40 रुपए पाव किलो बोल रहे हैं, तो दुगना भाव हो गई है उसका। सब्जी महंगी है, फिर भी कुछ ना कुछ लेना ही पड़ेगा। तो इतने 6 दिनों से आप लोग कैसे मैनेज? वही तो बोल रहा हूँ मैं, 6 दिन में हमको थोड़ा पैकेट में पार्सल आता था, वो हम बाढ़ में थे, अभी थोड़ा पानी निकल गया इसलिए बाहर आ गए हैं, तो उधर तक कोई ना कोई थोड़ा थोड़ा पहुँच जाता, चाय बिस्किट और स्नैक्स। अच्छा। बस उसके ऊपर ज़्यादा नहीं मिलता था। तो रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान इन्हें कुछ कुछ मिल रहा था, इसकी वजह से ये इनके घरों में कुछ खाना मिल रहा था, लेकिन अब क्योंकि पानी निकल गया तो ये निकल पाए हैं और अब सब्जियाँ खरीदने आए हैं।
पंचगंगा नदी के पानी का स्तर कम होने के बाद नेशनल हाईवे खुल गया है और नेशनल हाईवे 4 के खुलते ही लोगों को जैसे ही पता चला कि पेट्रोल डीजल और बाकी सारे तमाम फ्यूल की गाड़ियां सबसे पहले कोल्हापुर शहर में आ गई हैं, तो सबसे पहले आप देख लीजिए पेट्रोल पंप पे इतनी लंबी लाइनें लग गई हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं है। ये लंबी लाइन आप देख लीजिए आगे कहां तक जाती है, और ये सिर्फ टू व्हीलर्स की लाइन नहीं है, टू व्हीलर्स के अलावा कई सारे लोग आप देख लीजिए बॉटल लेके खड़े हैं कि कब उन्हें पेट्रोल मिलेगा। एक लोगों से ही बात करते हैं। सर आप लोग कितने देर से खड़े हैं यहाँ पे? पौन घंटा हो गया, 45 मिनट्स जी। और आपको पूरा फुल टैंक कर हो जाएगा आपको लग रहा है? 2-3 लीटर तो मिल ही जाएगा। कभी कैसे चला रहे थे इतने दिनों से? नहीं था मेरे पास दो तीन दिन का था पेट्रोल, और बिना इसके जरूरत के मैं बाहर नहीं निकला, तो मैनेज कर रहे थे किसी तरीके से। सर आप लोग कैसे कर रहे थे? आप लोग के पेट्रोल अभी भी बचा है गाड़ी में? हाँ अभी भी मतलब खत्म हुआ है, 2-3 दिन से बोतल में जो था काफी भी मिलता था वहाँ से भी लेके कर रहे थे। किसी तरह से मैनेज कर रहे थे। देखिए अब यहाँ पे लोगों की लाइन जो बॉटल लेके खड़े हैं वो भी कम नहीं है, काफी सारे लोग बॉटल लेके खड़े हैं। सर आप लोग बॉटल लेके क्यों खड़े हैं यहाँ पर? क्या करें, एक हफ्ता हो गया पेट्रोल नहीं मिल रहा, इसलिए अभी गाड़ी घर में। अच्छा, तो गाड़ी में पेट्रोल भराने के लिए अब आप यहाँ से पेट्रोल लेके जाएंगे? हाँ सुबह 10 बजे का नंबर लगाया, अभी तक पेट्रोल नहीं मिला हमारे को। 10 बजे से अभी तो 2 घंटा हो गया। हाँ क्या करें, अभी लाइन ही इतनी लंबी है, क्या करें अभी। और आपको पहुँचते तो 1 घंटा और लगेगा? और 1 घंटा लगेगा अभी पानी के लिए। बस सर आपकी कौन सी गाड़ी है, कब से बंद पड़ी? आपसे घर में गाड़ी है अभी, गाड़ी एक्टिव तो वो अभी बंद पड़ी हुई है, पेट्रोल नहीं है। पेट्रोल नहीं है तो अब पूरा इतना लेके खाली कम से कम स्टार्ट हो जाए। हो जाए। तो आप लोग के भी काम में परेशानी हुई थी, किसी दिक्कत हो रही थी क्या कि पेट्रोल नहीं होने की वजह से? पेट्रोल ना आया इधर गाड़िया सब जगह बंद है, आता आलू ही बॉटल घेऊन कधी मी इथे बघूया, पाऊस तर काय थांबना झालाय बघूया। तो देख रहे हैं आप, जैसे लोगों ने बताया कि काफी ज्यादा परेशानी थी लोगों को पेट्रोल की बातें, जैसे इन्होंने पता चली कि पेट्रोल आ गया है शहर में तो इन्होंने यहाँ पर लाइनें लगा के पेट्रोल और डीजल अब इकट्ठा कर रहे हैं ताकि इनकी गाड़ियां कम से कम चल सके। तापी नदी के उफान के चलते सूरत महानगर पालिका ने सभी फ्लड गेट बंद कर दिए हैं, जिसकी वजह से शहर के निचले इलाकों में जल भराव होना शुरू हो गया है। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, सूरत का ये कादर साकी नाल इलाका है, इसे कैलाश नगर भी कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से पानी भरा हुआ है, और जो यहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं वो भी पानी में डूबी हुई। दूसरी तरफ हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ जो दूसरा जो छोर है इस इलाके का, वहाँ भी पानी भरा हुआ है, और ये जो मोटरसाइकिल्स हैं वो भी पानी में डूबी हुई। ये परिस्थिति यहाँ पर लगातार पिछले 24 घंटे से बनी हुई है, क्योंकि तापी नदी के जो फ्लड गेट हैं वो प्रशासन ने बंद कर दिए, जिसकी वजह से जो गटर का पानी होता है वो बैक मार रहा है, और उसके चलते शहर के निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है। अब लोगों को इंतज़ार है कि ये पानी, तापी नदी का जलस्तर कम होगा और ये पानी कब उतरेगा, इस बात का लोगों को इंतजार है। 300 से ज्यादा लोगों को घर से शिफ्ट करना पड़ा, 100 से ज्यादा घर टूट गए। ये भी नहीं पता चल पाया है कि कितनी प्रॉपर्टी अब तक डैमेज हुई है। ये हाल है गोवा का, जहां पर यूनियन मिनिस्टर श्रीपाद नाइक का ये कहना था कि गोवा में जो लॉसेज हुए हैं वो करीब 10 करोड़ के होंगे। सबसे ज्यादा धान के जो फार्मर्स हैं उनका नुकसान हुआ है, क्योंकि उनके खेत अब भी पानी में डूबे हुए हैं।